नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट नितेश आपके अपने YouTube चैनल आर्ट पैट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे 30 फुट बाय 40 फुट के एक ब्यूटीफुल हाउस डिज़ाइन को, जो कि एक थ्री स्टोरी स्ट्रक्चर है और तीनों तरफ से कवर्ड है। इसके ग्राउंड पर आपको स्टिल पार्किंग मिलती है, प्लस एक सिंगल बेडरूम मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर हमने एक कम्प्लीट सिंगल बेडरूम सेट प्रोवाइड किया है, जिसमें एडिशनली आपको एंट्रेंस फॉयर, पाउडर एंड ड्रेसिंग भी मिलती है। एंड सेकेंड पर हमने टू बेडरूम सेट प्रोवाइड किए हैं, प्लस आपको एक एडिशनली कवर्ड सिटिंग एरिया मिलता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है माय फेवरेट टेरेस डिज़ाइन। ये इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, आप चाहें तो एक बार उसे गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपको इसके कवर्ड एरिया के बारे में और प्राइस के बारे में अच्छा आइडिया लग जाएगा। प्लान के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको पे एंड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फ्रंट एलिवेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो मेन गेट से एंट्री करें तो हमें मिलता है एक बड़ा सा पार्किंग एरिया, जहां पर आप आराम से दो गाड़ी पार्क कर सकते हैं, प्लस एक सेपरेट स्पेस मिलता है बाइक की पार्किंग के लिए। इस साइड पर हमने सेटबैक दिया है फॉर द वेंटिलेशन ऑफ द हाउस। इसी तरीके से आपको रियर एंड लेफ्ट पर मिलता है। ये सामने हमने वाटर फाउंटेन्स प्रोवाइड किए हैं, सो दैट एक इंटरेस्टिंग सा माहौल यहाँ पर बना रहे। और ये है इसका फर्स्ट बेडरूम, जो कि है 10 फुट बाय 13 फुट 6 इंच का। और इस साइड में आपको स्टडी टेबल मिलता है, प्लस एक विंडो सेटिंग मिल जाती है। ये बेड के पीछे हमने वॉलपेपर लगाया हुआ है, प्लस प्रोफाइल लाइट का यूज किया। ये है इसका ड्रेसिंग एरिया, जो कि है 5 फुट 9 इंच बाय 5 फुट का। इसकी वार्डरोब में ही हमने मिरर यूज कर दिया है, सो दैट आपको एक अलग से स्पेस ना देना पड़े ड्रेसिंग टेबल के लिए। और इसके साथ आता है इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट, जो कि है 8 फुट बाय 5 फुट का। इसकी जो वेंटिलेशन है वो पीछे वाले कटआउट से हो रही है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और देखते हैं ऊपर की डिजाइनिंग। ये स्टेकेस पे हमने वुडन प्लस ग्रेनाइट का यूज किया हुआ है। सो ऊपर आते हैं, हमको मिलता है बड़ा सा वरांडा एरिया, जो कि है अप्रोक्सीमेट 4 फुट 6 इंच का। और उसके बाद अंदर चले तो पहले हमें मिलता है एंट्रेंस फॉयर। इससे होता क्या है कि आप डायरेक्ट घर के अंदर एंटर नहीं करते, एक काइंड ऑफ बफर क्रिएट हो जाता है ड्राइंग रूम में एंड मेन एंट्री में। एंट्री के सामने हमें इसका पूजा स्पेस मिल जाता है। और ये है इसका ड्राइंग रूम, जो कि है 13 फुट 7.5 बाय 14 फुट का। फॉल सीलिंग में हमने ट्रैक लाइट प्लस कुछ स्टार लाइट्स का यूज किया। अब बढ़ते हैं आगे। सो स्टेकेस के नीचे हमने छोटा सा वाटर बॉडी प्रोवाइड किया है, सो दैट जब पर्सन ड्राइंग रूम में बैठा हो तो एक नेचुरली साउंड का इफेक्ट उसे मिले। और इसके नीचे ही हमने प्रोविजन दिया है गेस्ट टॉयलेट का, जिसको हम पाउडर रूम बोलते हैं, जो कि है 4 फुट 10.5 इंच बाय 5 फुट का। इससे आगे बढ़े तो हमें मिलता है इसका डाइनिंग एरिया, जो कि है 13 फुट 3 इंच बाय 9 फुट 2 इंच का।
और इसके साथ आता है इसका मॉडर्न किचन जो कि है 10 फुट 6 इंच बाय 8 फुट 10.5 इंच का। इसमें हमने ब्रेकफास्ट काउंटर भी प्रोवाइड किया है सो दैट इसको एक लग्जरी लुक दी जाए। किचन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसके कैबिनेट्स के नीचे हमने स्ट्रिप लाइट यूज की है और जैसा आप देख पा रहे हैं इसके टॉप एंड बॉटम दोनों पर ही प्रोफाइल लाइट्स हैं। डाइनिंग की सीलिंग में हमने वुडन पैनल का यूज किया है जैसा आप देख पा रहे हैं और इसके साथ ही इसकी बालकनी आ जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर डस्टबिन वगैरह रख सकते हैं। और अब चलते हैं इसके बेडरूम नंबर 2 की तरफ जो कि है 10 फुट बाय 13 फुट 6 इंच का। ये सेम बेडरूम साइज है जो आपको नीचे मिलता है, ऊपर भी हमने सेम रखा है बट इसमें विंडोज वगैरह ज्यादा हैं और डिजाइन इसका चेंज है। सामने एडिशनली वार्डरोब हमने प्रोवाइड की है ड्रेसिंग रूम के अलावा प्लस आपको विंडो सीटिंग भी मिल जाती है। यह है इसका 4x5 का ड्रेसिंग एरिया। और इसके साथ ही आ जाता है इसका एक बड़ा सा अटैच टॉयलेट जो कि है 8 फुट 10.5 इंच बाय 5 फुट का। आप बेडरूम से बाहर चलें तो स्टेयरकेस से चलते हैं इसके ऊपर फ्लोर की तरफ। इसके स्टेप्स में भी हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया था, एक्चुअल में वो इफेक्ट आ नहीं पाया बट वो एग्जिस्ट कर रही है। सो ऊपर आते ही पहले मिलता है आपको इसका लॉबी एरिया जो कि है 13 फुट 7.5 इंच बाय 9 फुट 3 इंच का। और लॉबी के साथ ही ये आपको मिलता है कवर्ड टेरेस जिसको हमने ऊपर से कवर्ड किया है फाइबर से। इसका डोर ओपन होने के बाद आप मानिए कि एक स्पेशियस थिंग मिलती है सिटिंग के लिए। और अब देखते हैं इस घर का बेडरूम नंबर 3 जो कि है 14 फुट 4.5 इंच बाय 13 फुट 6 इंच का जो कि कंपैरेटिवली बड़ा बेडरूम है, जिसमें सामने अगेन हमने बड़ी सी वार्डरोब दी है फुल हाइट जिसके लेफ्ट एंड राइट दोनों पर ही आपको डेकोरेटिव आइटम के लिए स्पेस मिलता है। और ये आ जाता है अगेन इसका बड़ा सा अटैच टॉयलेट जो कि है 9 फुट 9 इंच बाय 5 फुट का। और अब देखते हैं इस घर का लास्ट बेडरूम जो कि है 14 फुट 4.5 इंच बाय 12 फुट 9 इंच का। इसमें भी आपको एक विंडो सीटिंग मिल जाती है और उसके एक तरफ वार्डरोब और दूसरी तरफ स्टडी टेबल। इस बेडरूम की दो विंडोज हैं एक्चुअली, एक बाहर रोड की तरफ और दूसरी टेरेस की तरफ। और ये है इसका वॉक इन क्लोजेट जो कि है 5 फुट बाय 9 फुट 6 इंच का, जिसमें आपको डेडिकेटेड ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है। और इसके साथ है इसका अटैच टॉयलेट जो कि है 5 फुट 1.5 इंच बाय 9 फुट 6 इंच का। और अब चलते हैं इसके टेरेस की तरफ और देखते हैं इसकी टेरेस डिजाइनिंग। ये ऊपर एक्चुअली आपको एक यूटिलिटी रूम मिल जाता है जो कि है 14 फुट 1.5 इंच बाय 5 फुट का।
और ये है इसका टेरेस डिजाइन। ये स्लैब के नीचे हमने कुछ बर्ड हाउस बनाए हैं। और ये दूसरी तरफ आपको मिल जाती है कवर्ड सीटिंग। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी और इसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते थे। प्लान के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको पेन डाउनलोड कर सकते हैं। और मेनली आगे कुछ गिव अवेज आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।